हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आगे कंटिन्यू और आज इसका ये लास्ट टॉपिक है आज इसकी फिफ्टींथ क्लास है हमने इस चैप्टर को पूरा डीपली किया है आपको किसी को भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर करना है तो हमारी टोटल अब तक फोर्टीन वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जिसमें हर एक टॉपिक को कवर किया है आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो लास्ट टॉपिक है आज के बाद हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक है कि कभी कोई पार्टनर यदि ड्यूरिंग द ईयर जो है रिटायर हो जाए ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है साल के बीच में यानी कि जर्नली आपने जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे हमेशा पार्टनर जो है एंड ऑफ द ईयर या बिगनिंग ऑफ द ईयर पर रिटायरमेंट लेगा लेकिन यदि कभी कोई पार्टनर जो है ड्यूरिंग द ईयर यानी कि साल के बीच में रिटायर हो जाए तो फर्म के सामने एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी देखो एक तो उसकी कैपिटल है वो उसको पे ऑफ हो जाएगी कोई प्रॉब्लम नहीं एक्यूलेटेड प्रॉफिट से भी कोई फर्क नहीं चाहे वो एंड ऑफ द ईयर पर हो चाहे ड्यूरिंग द ईयर हो लेकिन यदि प्रॉफिट उसे देना हो फर्म को तो प्रॉफिट कैसे देगी अब वही पॉइंट यहाँ पर बनता है कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है जब कभी भी कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर में रिटायर हो ड्यूरिंग द ईयर आप समझ गए कि साल के बीच में तीन मंथ के बाद रिटायरमेंट ले ली जब बिजनेस शुरू हुआ फर्स्ट अप्रैल से लेके शुरू है ले हमारा बिजनेस एंड कब हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को और जर्नली हमने हर क्वेश्चन में देखा है कि पार्टनर जब भी रिटायर होगा तो या तो वो थर्टी फर्स्ट मार्च को हो रहा होगा या फर्स्ट अप्रैल को हो रहा होगा जिससे फर्म को कभी भी प्रॉफिट कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पूरे साल का प्रॉफिट उसको प्रॉफिट पे ऑफ कर देंगे पूरे साल का लेकिन यदि कोई पार्टनर बीच में रिटायर हो गया तब फर्म के सामने प्रॉब्लम क्रिएट है कि प्रॉफिट कैलकुलेट अब कैसे किया जाएगा जर्नली आपको जो सिचुएशन दिखेगी उसमें फाइनेंशियल जो आपके अकाउंट्स होंगे वो प्रिपेयर नहीं होंगे क्योंकि प्रिपेयर तो एंड ऑफ द ईयर पर है जो थर्टी मार्च आएगा लेकिन पार्टनर थर्टी मार्च से पहले रिटायर हो गया तो कैसे प्रॉफिट की कैलकुलेशन है क्यों टॉपिक हमारा इसमें यह है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना रिवेल के प्रॉफिट लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो एंड ऑफ द ईयर पर हो या वो ड्यूरिंग द ईयर हो एक्यूलेटेड प्रॉफिट लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता गुडविल पर कोई फर्क नहीं पड़ता खाली प्रॉफिट की कैलकुलेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो आज हमने वही सीखना है कि प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा जब कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर में रिटायर हो तो दो सिचुएशन आपको दिखेंगी पहली सिचुएशन बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड और जनरली यही दिखता है कि फर्म जो है अपने अकाउंट क्लोज नहीं करती उस डेट को दूसरी सिचुएशन है यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर फर्म ने डिसाइड किया कि जिस डेट को पार्टनर रिटायर हुआ वहां आज अपने अकाउंट्स को क्लोज कर लेगी और वो जो प्रॉफिट निकाल रहेगी तो प्रॉफिट जो है उसको पे ऑफ कर दिया जाएगा उसका शेयर क्लियर है ये लेकिन यदि मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करे तब प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे बनती है वो देखते हैं और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जो है कितना ट्रांसफर किया जाएगा देखो जब आपने अकाउंट क्लोज नहीं करे तो दो रस्ते बनते हैं फर्म के पास वो क्वेश्चन में, में मेंशन होगा या तो वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाकर या जो है एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाकर ये क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा हमने कुछ नहीं करना क्लियर है हमने जो प्रॉफिट आया पूरे साल का इस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लिया जितने टाइम तक आपके यहां रिटायरिंग पार्टनर ने वर्क किया लेट करो फोर मंथ तक वर्क करा तो फोर मंथ का प्रॉफिट निकाल लिया जाएगा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आएगा डिवाइड कर देंगे ट्वेल्व से इन कर देंगे फोर से और फिर उसका शेयर क्लियर हो गया ये तो ये उसका शेयर निकाल लिया जाएगा अब यहां पर जो है जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं वो देखते हैं ये वो वाला केस कर रहे हैं जिसके अंदर फॉर्म क्लोज नहीं कर रही इसमें अपने आप में फिर दो सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी क्या क्रिएट होगी भाई एक एंट्री पास करते हो उस टाइम पर आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये कब करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डज नॉट चेंज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना कर रखा हो रिमेनिंग पार्टनर ने और ये उसके शेयर से मल्टीप्लाई होगा जो प्रॉफिट आएगा ध्यान रखना रिटायरिंग पार्टनर का यदि मान के चलो फर्म ने चेंज कर लिया अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर हो जाएगी एंट्री कोई दिक्कत है इसके अंदर भाई दो ही तो सिचुएशन दिखेगी आपको या तो ये दिखेगी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने चेंज नहीं करा तो तब तो आएगा एक नया अकाउंट खुलता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर ये अकाउंट खुलता ही तब है सस्पेंस अकाउंट कि जब फर्म जो है अपने प्रॉफिट बीच में ड्यूरिंग द ईयर में कैलकुलेट करती है एस्टिमेटेड प्रॉफिट को बेस बनाकर यह हम अभी नया चैप्टर आएगा डेथ ऑफ पार्टनर उसमें भी करेंगे अच्छा यदि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया जैसे न्यू रेशियो चेंज हो गया तो उस केस में गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है आपका अल्टीमेट ये एंट्री हमने गुडविल में भी सीख रखी है यही तो एंट्री हुई भाई चेंज नहीं करा तो सिंपल है पी एंडल सस्पेंस करो टू रिटायरिंग पार्टनर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रखा है तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर क्लियर है ये कौन से केस में करते हैं प्रॉफिट के केस में देखो जब भी आपका रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा मैंने आपको बता रखा है जब हम उससे कुछ पे ऑफ करते हैं प्रॉफिट देंगे उसे तो क्रेडिट करते हैं दोनों केस में वही दिख रहा है लेकिन लेट करो लॉस हो जाए फर्म को जब हम जब वो रिटायर हुआ तो उस केस में एंट्री रिवर्स हो जाएगी भाई क्या बन गई आपकी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पी एंडल सस्पेंस क्लियर है और ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगी रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल टू गेनिंग पार्टनर और लेट करो इनमें से से कोई में से कोई गेन में सेक्रीफाइस कर जाए तो डेबिट हो जाएगा ऐसे यहां पर कोई गेनिंग जब हम निकालते हैं और किसी को सेक्रीफाइस हो तो क्रेडिट कर देना क्लियर है तो बैलेंस शीट में कैसे पुट करते हैं देखो ये डेबिट बैलेंस बन गया और डेबिट बैलेंस क्या हमारे तो ये साइड से हो जाएगा और लेट करो लॉस है तो पी एंडल है क्रेडिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या है लाइबिलिटी में शो होगा तो ये लाइबिलिटी में शो कर देंगे क्लियर हो गया ये भाई जब प्रॉफिट आया तो उसके कैपिटल की क्रेडिट में ट्रांसफर कर दो लॉस हो गया तो उसके कैपिटल को डेबिट कर दिया ये समझ आ गया ये केस ये कौन सा केस बताया आपको जिसके अंदर फॉर्म अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करती yeah. सेकंड केस सेकेंड केस में लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इसमें तो ओल्ड रेशियो का काम है इसमें कोई गेनिंग रेशियो नहीं कोई पी एंडल सस्पेंस नहीं भाई सीधा है देखो जिस डेट को आपने प्रॉफिट आ गया तो पार्टनर कैपिटल जितने भी पार्टनर हैं इंक्लूडिंग जो रिमेनिंग बच गए यानी कि रिटायरिंग प्लस रिमेनिंग सभी पार्टनर को क्रेडिट कर दो प्रॉफिट देना है और ऊपर लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस ए अकाउंट ये हमने फंडामेंटल वाले चैप्टर में भी देख रखा है लॉस हो जाए तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो तो कोई मुश्किल तो लगा ही नहीं भाई दो ही तो सिचुएशन दिखी आपको क्या दिखी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होंगे तो उस केस में यह दो केसेज दिखेंगे पार्टनर अपने बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते तो पी एंडल सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर लॉस ये प्रॉफिट के केस में लॉस हो जाए तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रखे हैं तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर और लॉस हो तो इस एंट्री को रिवर्स कर दो यही था क्लियर हो गया ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन है अच्छा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेस है वो आपको क्वेश्चन में मैंशन होगा कि भाई लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाओ या जो है एवरेज प्रॉफिट को बेस बनाओ अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा पूरा लिखा हुआ है मेल शान एंड वी वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ सेवन इज टू फाइव इज टू थ्री यानी कि तीन पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर वॉज रुपी वन लैख ,00 एट्टी थाउजेंड प्रॉफिट आया हुआ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर थर्टी फर्स्ट मार्च का शान रिटायर्ड ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर शान रिटायर्ड हो गया थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर को यानी कि जब हमारे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुए होंगे उसके फोर मंथ के बाद क्योंकि आप अप्रैल हो गया मे हो गया जून और जुलाई चार मंथ के बाद एक पार्टनर रिटायर हुआ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाकर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा यानी कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाएगा फोर मंथ का जो कि लास्ट ईयर प्रॉफिट पर बेस रहेगा लिखा हुआ है लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस लेना है तो उससे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे फोर मंथ का फिर उसमें श्यान का प्रॉफिट निकाल लेंगे फोर मंथ का जितना बनता है अब दो सिचुएशन दे रखे कैलकुलेट श्यान शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल हिज रिटायरमेंट एक तो आपको उसका श्यान का प्रॉफिट निकालना है एंड पास जर्नल एंट्री फॉर द सेम वेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मेल एंड वी डज नॉट चेंज चेंज नहीं हो रहा तब पी एंड एल सस्पेंस बताया था आपको दूसरा केस दे रखा द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन मेल एंड वी चेंज यानी कि एक तरीके से दो क्वेश्चन बन गए तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें डज नॉट चेंज है तो ये देखो एंट्री तो आपको मैंने बताई थी क्या एंट्री बनती है ये रहा पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शांस कैपिटल अकाउंट ये कब करते हैं जब हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं करते सस्पेंस अकाउंट ये रहा कितना अमाउंट अभी बाद में बताएंगे यहां लिखो टू श्यांस कैपिटल खाली उसी का प्रॉफिट दिया जाएगा जब हम कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड में ये थर्टी फर्स्ट जुलाई को हो रहा है अब इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखते हैं देखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला जाएगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ शान वो लिखो आप वर्किंग नोट्स पे आ जाओ और वर्किंग नोट में प्रॉफिट निकाल लाओ आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में गीवन है देख लो लास्ट ईयर प्रॉफिट वो आपको दे रखा है वन लैख एट्टी थाउजेंड लिखो वन एट्टी ये तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आया ये कितने मंथ का आया हुआ है? ट्वेल्व मंथ का इसी प्रॉफिट को बेस बनाना ये इस्टीमेटेड प्रॉफिट है और फोर मंथ का निकालना है तो यान लिखो इस्टीमेटेड प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट भाई कैसे निकलेगा ये टोटल प्रॉफिट आपने लिया इन टू करो इसको डिवाइडेड बाई ट्वेल्व करो और फोर करो क्यों करा मैंने ये फोर से ये पूरे ट्वेल्व मंथ का प्रॉफिट है शान जो रिटायर हो रहा थर्टी फर्स्ट जुलाई को हो रहा है फर्स्ट अप्रैल से काउंटिंग करो चार मंथ बनते हैं मंथ का प्रॉफिट प्रॉफिट निकाल लो लो आ आ गया लिख लो। ये आ गया लिख जब उसकी रिटायरमेंट हुई है यहां लिख दो उसका शेयर निकाल लो लिखो शान शेयर प्रॉफिट भाई कैसे निकलेगा टोटल ये आपका चार मंथ का तीनों ये पूरी फर्म का प्रॉफिट आया है भाई पूरे साल का फर्म का ही तो आया था वल्लैक एटी हमने इसको फोर मंथ में कन्वर्ट करा तो ये फर्म का ही प्रॉफिट है इसमें शान का शेयर कर दो शान का शेयर चेक करोगे तो फाइव बाई फिफ्टीन दिया हुआ है ट्वेंटी थाउजेंड शान का प्रॉफिट आ गया कितने मंथ का फोर मंथ का ध्यान रख लो ये फोर मंथ समझ गए कहाँ से आया फर्स्ट अप्रैल से लेके ये रहा फर्स्ट अप्रैल और टू और टिल ये आपका आ गया थर्टी फर्स्ट जुलाई तक का क्लियर है ये उसका शान का प्रॉफिट आया ये आप उठ कर दो अब बस ये थी एंट्री ये रहा क्लियर हो गई ये लिखना था आपको भाई कैसे करते हैं लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस बनाने को क्वेश्चन में लिखा है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं है जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होंगे तो समझ लेना फिर पी एंड एल सस्पेंस आएगा वो तो डेबिट होगा प्रॉफिट के केस में और शांस कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको प्रॉफिट देना है अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लो लॉस हो तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी क्लियर हो गई ये तो पहला केस हो गया अब सेकंड केस करते हैं जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो चेंज हो रहा है तब क्या करते हैं सेकंड केस में आ जाओ ये रहा यहां पर एंट्री क्या करते हैं गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्री रिटायरिंग पार्टनर बताया था यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस करा तो जाहिर बात है रिटायरिंग ने कर रखा है तो उसको क्रेडिट करेंगे दोनों तो के डेबिट करो कौन कौन पार्टनर है एक तो मेल कैपिटल अकाउंट है लिख दो मेल्स कैपिटल अकाउंट मैं एंट्री लिख रहा हूँ वर्किंग नोट्स नीचे दिखाते हैं आपको और एक वी कैपिटल वी कैपिटल अकाउंट डेबिट दो डेबिट होंगे जो जो रिमेनिंग पार्टनर है और टू करो यहाँ पर इन दोनों को गेन हो रहा है ध्यान रखना और टू करो शांस कैपिटल अकाउंट अब इनमें अमाउंट कैसे आएगा वो वर्किंग में करते हैं भाई ये वाली तो क्लियर हो गई अब उधर की वर्किंग कर देते हैं निकाल लो वर्किंग नोट्स भाई प्रॉफिट तो उतना ही आएगा ध्यान रख लेना बस क्या चेंज होगा वहाँ पर जो है गेनिंग रेशियो आ जाएगा प्रॉफिट तो इसमें लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड सेम आएगा ये रहा जो आपका फोर मंथ का बनेगा ये जो फोर मंथ का निकला इसमें गेनिंग रेशियो में यूज होगा अब ये ये कौन सी रेशियो में हुआ था ये तो इसी का शेयर आया था बस टोटल में उसके अंदर इन दो में जो डिस्ट्रीब्यूट होगा गेनिंग रेशियो में होगा वो गेनिंग रेशियो निकाल लो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो भाई कैसे निकलेगी देखो गेनिंग रेशियो दो रेशियो दे रखी हैं ओल्ड रेशियो सेवन फाइव थ्री है और न्यू रेशियो आपको दे रखी है आपको दे रखी है सेवन इज टू फाइव इज टू थ्री और न्यू रेशियो भी आपको दे रखी है क्लियर है यहाँ गेनिंग रेशियो निकालो फार्मूला लिख दो पहले न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ये रहा किस किस का निकलेगा मेल का और वी का लिखो मेल का और वी का भाई कितना कितना इसका न्यू रेशियो वन हाफ इसका भी वन हाफ माइनस करो इसका शेयर सेवन बाई कितना हो गया फिफ्टीन इसका कितना हो गया थ्री बाई फिफ्टीन एलसीएम ले लो एल सी एम ले लो थर्टी आएगा थर्टी एलसीयम आ गया ये टू पे चला गया फिफ्टीन हो गया और ये टू पे फोर्टीन कितना आ गया वन बाई थर्टी ऐसे ही इसका ले लो ये फिफ्टीन पे चला गया और ये टू सिक्स हो गया नाइन बाई थर्टी हमारा गेनिंग रेशो आ गया वन इज टू नाइन नोट कर लो इस रेशो में ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका ट्वेंटी थाउजेंड करते हो तो इसका तो टू थाउजेंट आएगा और इसका एट्टीन थाउजेंड क्लियर हो गया कैसे आया नाइनटी ये ट्वेंटी थाउजेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करा है हमने ट्वेंटी थाउजेंड कौन सी रेशियो में करा है ध्यान रख लो गेनिंग रेशियो मैं यहां लिख देता हूँ गेनिंग रेशियो कितनी आई वन इज टू नाइन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये इन टू वन बाई टेन और इन टू कर दो यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड इन टू नाइन बाई टेन ये था ये क्लियर हुआ भाई बहुत आसान है रेशियो चेंज नहीं करते तब तो पी एंड एल सस्पेंस टू शान कैपिटल रेशियो चेंज करते हैं तो गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि के शान कैपिटल अमाउंट दोनों में क्रेडिट में तो रिटायरिंग ही रहेगा इसमें पी एंडल सस्पेंस आ जाएगा जब चेंज नहीं करते उसमें गेनिंग पार्टनर आ जाएंगे क्लियर है अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है और जब रिटायरमेंट हुई है तब वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगी तब कभी भी पी एंडल सस्पेंस नहीं पी एंडल प्रोपेशन आएगा मैं क्वेश्चन रीड करता हूं तब क्लियर करते हैं लिखा हुआ है श्याम ज्ञान एंड पवन वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म

और इसको डिस्ट्रीब्यूट देंगे ऑल पार्टनर में और ओल्ड रेशियो यूज हो इसमें कभी गेनिंग रेशियो नहीं होगा कभी पी एंडल सस्पेंस नहीं आएगा अब नीचे हमसे कह रहे हैं पास द जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक केस तो ये है दूसरे केस में कह रहे हैं पास द जर्नल एंट्री लॉस ऑफ रुपी थ्री सिक्सटी वॉज यदि दूसरा केस है कि यदि आपको लॉस हुआ तब क्या एंट्री है देखो मैंने आपको क्या बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू चलेंगे अब कितना प्रॉफिट आ रहा है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड तो पहली एंट्री तो आप पास करो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोपेशन अकाउंट डेबिट भाई जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे हमने अकाउंट ही क्लोज कर दिए तो सारे अकाउंट हमारे प्रिपेयर हो गए तो जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा फंडामेंटल वाले चैप्टर में चलो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं पी एंड एल प्रोपेशन के थ्रू पी एंड एल प्रोपेशन आ गया टू करो जितने भी पार्टनर है कितना आया थ्री लैख के, के केस में है और ये आप पार्टनर है श्याम ज्ञान और पवन यहां लिखो श्याम्स कैपिटल टू करो ज्ञान कैपिटल और फिर करो यहां पवन कैपिटल बस इसमें तो यही एंट्री है ध्यान रख लो ये आसान है जबकि फाइनेंशियल अकाउंट यदि हम प्रिपेयर कर ले तो अपने भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करो कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो याद रख लो ओल्ड रेशो आपको दे रखी है कितनी दे रखी है ओल्ड रेशो दे रखी है आपको सेवन इज टू फाइव इज टू थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो कैसे आ जाएगा फिफ्टीन या मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड इन टू करो पहले वाले का शेयर आ गया सेवन बाई फिफ्टीन करो ये एक तो टू पे गया फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर को सेवन से मल्टीप्लाई कर लो वन फोर्टी और ट्वेंटी एट वन फोटी वन सिक्सटी एट वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंड तो इसका आएगा ऐसे ही दूसरे का करोगे तो वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड आएगा और ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंटू करोगे तो सेवेंटी टू थाउजेंट इसका आएगा क्लियर है ये आप कैलकुलेशन कर लेना ऐसे बता दिया थ्री सिक्सटी इंटू फाइव बाई फिफ्टीन तो वन थर्ड हो गया तो ये तो वन ट्वेंटी हो गया और ये फिर जो है थ्री बाई फिफ्टीन आ गया तो है फर्स्ट केस में अब अगले केस में कह रहा है कि यदि लॉस हो जाए तब क्या करते हैं तो तब आपको बताया था रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी केस सेकंड पे आ जाओ यहाँ तीनों पार्टनर को डेबिट कर दो अब उनसे पैसा लेना है हमने प्रॉफिट लिख दो कैपिटल डिक्रीज करनी है क्योंकि लॉस हुआ यहाँ लिखो ज्ञान कैपिटल और यहाँ एक और करो फिर पवंस कैपिटल और टू कर दो पी एंडल अप्रोपेशन अकाउंट भाई कितना अमाउंट आएगा ये रहा थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंट सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि रेशो कौन सा यूज होगा इसमें भी ओल्ड रेशो यूज होगा यहाँ पर कभी भी गेनिंग रेशो नहीं होगा जब भी आप फाइनेंशियल अकाउंट अपने प्रिपेयर कर लोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो गेनिंग रेशो की जरूरत नहीं सीधा प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर दो अमाउंट इतना ही आएगा इसमें वन लैख सिक्सटी एट थाउजेंट आएगा क्योंकि अमाउंट तो उतना ही दे रखा है और ये वन लैख ट्वेंटी थाउजेंट आएगा और ये सेवेंटी टू थाउजेंट आएगा तो ये था ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ये तो आज हमारा अब ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जब ड्यूरिंग द पीरियड में रिटायर हो रहा है बीच में रिटायर हो रहा है वो पूरा टॉपिक कवर हो गया भाई फाइनेंशियल अकाउंट यदि उस डेट को प्रिपेयर हो गए तब तो ये एंट्री है प्रॉफिट के, के केस में लॉस हो जाए तो ये एंट्री है और पहला केस आपको क्या बताया था यदि लेट तब हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट को बेस बनाएंगे या तो लास्ट ईयर को या जो है एवरेज प्रॉफिट को लास्ट ईयर के प्रॉफिट की वो क्वेश्चन में मेंशन होगा उसमें दो सिचुएशन आपको बताई थी एक बताई है कि यदि रिमेनिंग पार्टनर में जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कोई चेंज नहीं है तो पी एंडल सस्पेंस आ जाएगा और लेट करो रिमेनिंग पार्टनर ने आफ्टर रिटायरमेंट अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर रखा है न्यू न्यू रेशो है तब गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगी भाई यही तो है पूरा का पूरा आज हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया भाई किसी भी स्टूडेंट को करना हो तो टोटल इसकी 15 वीडियो अपलोड कर दी है हमने जिसमें डीपली इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि हमारे इस चैनल पर टी एस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक चाहे वो इलेवंथ क्लास है चाहे ट्वेल्थ क्लास है उसके सभी क्वेश्चन अपलोडेड हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में कभी आपको डाउट हो आप आप हमारी प्ले में जाइए प्ले में आपको सभी क्वेश्चन अवेलेबल मिल जाएंगे और प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको दिखेंगे वो सारे क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए कोई भी डाउट लगता है यू लास्ट इन कमेंट सेक्शन तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय